क्या कर रहे थे हम लोग, के मैप का काम कर रहे थे। ठीक है, एक के मैप का काम किए थे। ठीक है, के मैप में सिंपल फिर से कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है, फंक्शन ए बी सी डी इक्वल्स टू समेशन, सपोज करो कि इस बार क्वेश्चन आता है 0 1 4 8 12। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग यही किए थे, ए बी सी डी दैट इज़ 4 वेरिएबल, 2 to the power 4 दैट इज़ 16। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी एसओपी का प्रॉब्लम, समेशन साइन जैसे ही देखना है। कैसा प्रॉब्लम? एसओपी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, 4 वेरिएबल। कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है मतलब सोचना है, ऐसा नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है। कितना बॉक्स? 16 बॉक्स, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, थोड़ा सा तुम लोग सही से बनाना कि स्क्वायर में फॉर्मेट सही होना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, 1 2 3 4, 16 बॉक्स हो गया। क्या बोले थे? पतंग बनाने बोले थे। 4 भाई है, ए बी पार्ट इधर चला गया, सी डी पार्ट इधर चला गया, ए बी वाले भैया को मिल गया, सी डी वाला ग्रुप चला गया। ठीक है, क्या लिखेंगे? 0 0 1 1, 0 1 1 0, जैसे याद करना होगा कर लेना। ठीक है, 0 याद कर लो, 1 कर लो, 11 कर लो, 1 1 कर लो, जैसे भी करो, लेकिन याद रखना 0 0 0 1 1 1, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा 0 0 1 1 0 1 1 0, सेम प्रोसेस। इसको भी 0 0, इसको 0 1 1 1 1 0। क्लियर है? लास्ट वीडियो में इतना हो चुका था। एसओपी का प्रॉब्लम देखेंगे, 0 पे बार लगाएंगे, 0 पे बार, ए पर बार, बी पर बार, ए पर यहाँ 1 1 है किसी पे नहीं, यहाँ बी पर बार 0 यहाँ है, सी पर, डी पर बार, सी पे बार, डी पे बार। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ क्या हो जाएगा, 0, पिछले वीडियो में बताया था ना कि कैसे कैसे हो रहा है, याद है कि दिखाना पड़ेगा। ये वाले में इधर से काम किया था, इधर 0 0, इधर 0 0, ये वाला कर करके बाइनरी में था, इसको डेसिमल में हम लोग निकाले थे। तो यहाँ क्या आ गया था, 0 4। एक शॉर्टकट ट्रिक आज बतलाते हैं, 12 था यहाँ, यहाँ 8 था। अब देखो इतना तुम लोग कर लेना, ठीक है, यहाँ करने के बाद में ऑटोमेटिक हुआ, 0 से क्या बढ़ा, 1 बढ़ा 1, 4 से 1 बढ़ा 5, 12 से 13, 8 प्लस 1 9। अब देखना 2 बढ़ रहा है, 1 के बाद 3, 5 और 2, 5 के बाद कितना बढ़ा, 7, 13 के बाद कितना बढ़ा, 2, 15, 9 के बाद 11। अब देखो घट रहा है, 3 से क्या हो गया, 2, 7 से 6, 15 से 14, 11 से 10। 0 से 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है। ठीक है, 1 2 1 1 2 1, ध्यान रख लेना। यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन पे आते हैं, 0 1 4 8 12, 0 खोजो, कहाँ है, खोजो 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 खोजो, 0 यहाँ है, 1 लिखने का। ठीक है, जब भी एसओपी देखो वहाँ पर क्या 1, फिर क्या है क्वेश्चन में 1 है, 1 कहाँ है, खोजो 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 1, फिर कहाँ है 4, 4 कहाँ, यहाँ, 8 कहाँ, यहाँ, 12 कहाँ, यहाँ। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, हम क्या बतलाए थे कि यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट होता है, ऑक्टेट, क्वाड, पेयर। ऑक्टेट 8, ऑक्टेट टेट टेट टेट, खुद बोल रहा है, क्वाड 4, पेयर 2। सबसे पहले देखना है ऑक्टेट कहीं तो नहीं है, ऑक्टेट बनेगा लगातार, डायगोनल मत देखना, इधर से डायगोनल मत देखना, यहाँ अगर यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल देखना,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली देख लेना, डाइगोनल नहीं देखना है, लेफ्ट राइट देख लेना, टॉप बॉटम देख लेना, बस केवल डाइगोनल मत खोजना, ठीक है। अब देखो तो लगातार आठ बन रहा है, तो क्वेश्चन में ही नहीं है, एक दो तीन चार पाँच, आठ बनने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए आठ नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी एक सेकेंड के लिए देख लेना। क्वाड, एक दो तीन चार, क्वाड बन रहा है। क्या करो, डॉटेड लाइन से मिला दो। क्या करो, डॉटेड लाइन से मिला दो, डॉटेड लाइन से मिला दो, और मिलाने के बाद ना लिख दो, ज़्यादा तेज मत बनना। क्वाड वन कौन कौन सा बना, एम जीरो प्लस ये वाला बना एम फोर प्लस एम एट, एम ट्वेल्व भी लिख सकते हैं लेकिन सीरियल वाइज हो जाएगा, एम ट्वेल्व एक बन गया। चलो अब देखो और कहीं बन रहा है, इधर कोई नहीं है, ये एक साथ है तो ये अगल बगल जो है दोनों बन जाएगा, एक क्या बन रहा है, तो सबसे पहले आठ देखो, ऑक्टेट बन रहा है नहीं, क्वाड नहीं, क्या बन रहा है पेयर, तो इसके साथ पेयर बना लेगा, तो क्या बना यहाँ लिख दो, पेयर वन, कौन सा पेयर बना, एम जीरो और एम वन बना के बना, एम फोर मैपिंग, एम जीरो प्लस एम वन, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर लो, मिनिमाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, एम जीरो इसको कर रहे हैं मिनिमाइज, ठीक है, एम जीरो, एम जीरो करने के लिए क्या लिखे थे, इधर से कर लो जीरो 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 जीरो, और इधर वाला देख लो, इधर से जीरो जीरो और इधर से जीरो जीरो, हम ये इसको नंबरिंग जीरो नंबरिंग करने के लिए ये वाला और ये वाला लिखे थे ना, बस वही, ये वाला ए बी वाला और इधर सी डी वाला, दिख रहा है, तो जीरो 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 जीरो, ये किसके लिख रहे हैं, ए बी के लिए और ये जीरो जीरो सी डी के लिए। अब देखो फोर, फोर के लिए क्या लिखोगे, इधर और इधर जाएगा, इधर और इधर जाएगा, तो जीरो वन जीरो जीरो। एट के लिए वन जीरो और यहाँ से जीरो जीरो। ट्वेल्व के लिए वन वन जीरो जीरो, ऐसे कर दो, ठीक है। और जगह देखोगे तो बहुत कॉमन निकालने का अलजेब्रिकली बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ देखो हम शॉर्टकट में बतला रहे हैं। अब देखो यहाँ जीरो जीरो वन वन कॉमन नहीं है, जीरो भी है वन भी आ जा रहा है, काट दो इसको भाई साहब, जीरो वन जीरो वन कॉमन नहीं है, इसको भी हटा दो, जीरो 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 कॉमन है, जीरो कॉमन है, जीरो किसके जगह पे है, सी के जगह, डी के जगह, तो क्या है सी के जगह डी के जगह, जीरो पे बार लगाए थे, एस ओ पी का प्रॉब्लम किस पे बार, जीरो पे बार लगाए थे, सी बार डी बार, क्या आएगा सी बार डी बार। एक काम ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, ये जीरो जीरो इधर के जगह ये वाला लिख दो, ठीक है, ये वाला इधर से लिख दो, ये वाला इधर से लिख दो, देखना देखना अभी अभी के अभी प्रूफ हो जा रहा है, इसके जगह हम ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी बार, ए बी बार सी बार डी बार, बार नहीं बार कैंसिल, बार नहीं बार कैंसिल, क्या बचा भाई सी बार डी बार, बुझाइल क्लियर। चलो नेक्स्ट एम जीरो एम वन का तुम करो, तुम करो जल्दी फास्ट। चलो क्या करोगे, क्या करोगे, यही आसान लगता है, ठीक है, इसी पे जाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, जीरो 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 और ए बी सी डी, वन के लिए क्या करोगे, जीरो जीरो वन के लिए जीरो वन, क्या हो रहा है कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी ये नहीं है, हटा दो, तो ए बी सी जीरो पर बार लगा दो, ए बार बी बार सी बार, ऐसे भी करोगे तो सेम प्रोसेस आएगा, ए बार बी बार सी बार। फाइनल आंसर कैसे लिखना है, फंक्शन ए बी सी डी इक्वल्स टू ये वाला सी बार डी बार प्लस ये वाला ए बार बी बार सी बार, स्क्वायर में कर देना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, और यहाँ पर आंसर लिख देना। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन और भी बढ़ सकता है, ठीक है,
सपोज करो कि यहाँ क्वेश्चन आ गया 5, तो यहाँ पेयर ना बन के क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 लगातार है तो क्या हो जाएगा, क्वाड। क्या करोगे, क्वाड आएगा तो पेयर नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा, क्वाड 2, M0 + M1 + M4 + M5। अब इसका मिनिमाइज कर लेना, ठीक है, इसका मिनिमाइज कर लेना, M0 का क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, M1 का 0 0 0 1, M4 का 0 1 0 0, M5 का 0 1 0 1, ABCD ये कॉमन है, टोटल में कॉमन है तो 0, यानी कि A, ये ख़त्म, सी आ जाएगा, इसमें भी कॉमन है, ये ख़त्म, तो 0 0 है, 0 है 0 है, तो A बार C बार क्या आ जाएगा, A बार C बार, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा अभी तक वाला में, फंक्शन ABCD इक्वल्स टू ये वाला तो था सी बार डी बार प्लस ये वाला ए बार सी बार, क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन खुद से बनाना, बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना करके तुम लोग कमेंट करना या फोटो भेज देना ग्रुप में, ठीक है। फंक्शन ABCD इक्वल्स टू समेशन 0 1 2 3 4 10 11, 0 1 2 3 4 10 11, जब भी क्वेश्चन आएगा इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, 0 ऐसा नहीं है कि तुम्हारा यहाँ 11 के जगह लिख देगा 21, ये पूरे ग्रुप में है ही नहीं 21, जो इस ग्रुप में रहेगा इसी के अंदर आएगा, इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, 0 1 3 2 7 6 15, लेकिन कोई भी 20 नहीं है इसमें, 20 नहीं आएगा, ठीक है, 16, ये पूरे ग्रुप में 16 नहीं है, 16 बीच में नहीं आएगा, क्लियर है। चलो उम्मीद करते हैं KMAP क्लियर हो गया, KMAP का SOP क्लियर हुआ है, ठीक है, POS के लिए एक और ऐसा क्वेश्चन बना करके POS का ही वीडियो उसमें डाल देंगे, ठीक है, चलो आज रहने दो।